से चल रहा है उसमें मैंने शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि पर्व के समापन पर जो खाद्य तैयार है वो किस प्रकार से किए जाते हैं, और इसके लिए हमने पहला और दूसरा जो इलस्ट्रेशन है वो भी हमने कर लिया। पहला मैंने आपको बता दिया था और दूसरा इलस्ट्रेशन करने के लिए दिया था। आज मैं आपको इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपके पेज नंबर 174 पर इसका पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पहला इसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें दे रखा है रमेश, नरेश और महेश 3:2:1 अनुपात में साझेदार है, 3 पार्टनर है और 31 दिसंबर 2014 की बैलेंस शीट बनी हुई है और उन्होंने फिर समापन का निर्णय लिया। संपत्तियों से कितनी राशि वसूल हुई, दायित्वों का कितना भुगतान किया वो नीचे सूचनाओं में दे रखा है। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, समापन के दिन की जो बैलेंस शीट दी हुई है उस बैलेंस शीट की संपत्तियों और दायित्वों का जो बैलेंस है शेष है उसको हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले देखो एसेट्स पक्ष में, बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में जो भी मदे होती है उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट के डीआर साइड में दिखाते हैं। लेकिन मैंने बताया था कुछ मदों को छोड़ करके, जैसे कैश और बैंक बैलेंस उसको हम नहीं दिखाते, कोई हानि का शेष है पीएनएल का उसको हम नहीं दिखाते, अगर और कोई कैपिटल या करंट अकाउंट का डेबिट शेष है उसको भी हम नहीं दिखाते। तो इसमें देखो एसेट्स पक्ष में सबसे पहले कैश इन हैंड दे रखा है, इसको हम नहीं दिखाएंगे, और एक लास्ट में दे रखा है महेश कैपिटल, यानी कि इसमें कैपिटल का डेबिट शेष है इसको भी हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कैपिटल और करंट अकाउंट का जो बैलेंस है चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो वो कैपिटल और करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर होता है, इसलिए बाकी जो मदे दे रखी है उसको हम दिखा देंगे इसके डेबिट साइड में। तो इसमें कैश इन हैंड नहीं आएगा। दूसरे नंबर पर दे रखा है डेटर्स, तो डेटर्स को हम दिखा देंगे। डेटर्स का इसका मूल्य है वो दे रखा है 9,000। इसके बाद में दे रखा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है वो दे रखी है इसमें 14,000, ये 14,000 दिखा देंगे, जितना मूल्य है उसी मूल्य को दिखाते हैं। इसके बाद में है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मूल्य 20,000 है, ये हम 20,000 दिखा देंगे। स्टॉक का मूल्य 8,000 है, ये हम 8,000 दिखा देंगे। इसके बाद में है मशीनरी, मशीनरी का मूल्य 40,000 है, ये 40,000 दिखा देंगे। और लास्ट में महेश कैपिटल, ये नहीं दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल में ही दिखाएंगे। तो एसेट्स पक्ष की ये मदे हैं इनको हम दिखा देंगे, तो इनका जो टोटल है वो इसमें अमाउंट वाले कॉलम में दिखा देंगे। ये तो आगे एसेट्स। अब लायबिलिटी साइड की जो मदे हैं उनको हम इसमें कहां दिखाएंगे, सीआर साइड में। तो लायबिलिटी साइड की जो मदे हैं उसमें से हम क्या क्या नहीं दिखाते, एक तो कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस है वो हम नहीं दिखाते, पहले का कोई लाभों का शेष है अवितरित लाभों का शेष जैसे जनरल रिजर्व पीएनएल उसको भी हम नहीं दिखाते, और साझेदारों का जो लोन है उसको भी हम नहीं दिखाते। तो इसमें जो आपके लायबिलिटी साइड में जो मद दे रखी है सबसे पहले दे रखी है क्रेडिटर्स 20,500, तो क्रेडिटर्स को दिखा देंगे, ठीक है, ये 20,500 किया जाएगी। क्रेडिटर्स के बाद में दे रखा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड है उसको हम इसमें दिखा देंगे, इसको चाहे तो जेएलपी फंड को हम पार्टनरशिप अकाउंट में भी बांट सकते हैं और चाहे तो इसमें भी दिखा सकते हैं। तो जेएलपी फंड है 20,000, इसको हम दिखा देंगे ऐसे की ऐसे। जेएलपी फंड के बाद में फिर दे रखा है कैपिटल, तो कैपिटल इसमें नहीं आएगी, कैपिटल का जो बैलेंस है कैपिटल में आएगा, तो इसका टोटल हो गया 40,500। तो एसेट्स को हमने दिखा दिया, लायबिलिटीज को दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, एसेट्स को बेचने से जो नकद पैसा आता है उसको हम सीआर साइड में दिखा देंगे, बाय कैश ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड, यानी कि संपत्तियों से वसूली। नकद पैसा आता है तो कैश के नाम से, और साझेदार लेता है तो साझेदार का नाम लिखेंगे। तो नीचे सूचना जो दे रखी है
उसके अनुसार दे रखा है कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को 15,000 रुपये में समर्पण किया, सरेंडर कर दी, और जेएलपी से हमारे को कितना पैसा प्राप्त हुआ, 15,000। तो लिख दो इसमें जेएलपी, जेएलपी से हमारे को कितना पैसा प्राप्त हुआ, 15,000। फिर कैश वाला दिखाएंगे, साझेदार लेता है तो वो इसमें कैश में नहीं आएगा, वो साझेदार के नाम में आएगा। रमेश ने विनियोग ले लिए तो रमेश के नाम से आएगा, पहले कैश वाला देख लो इसमें। और पत्नी के ऋण का भुगतान करेगा, दायित्व का भुगतान करता तो इधर आएगा। नरेश से 7,500 में स्टॉक ले लिया, देनदारों को ले लिया, ये भी नहीं आएगा। मशीन से 50,000 रुपये वसूल हुए, ये कैश प्राप्त हो रहा है तो ये हम दिखा देंगे 50,000। इसके बाद में देखते हैं कि शेष देनदारों से पुस्तक मूल्य का 50%। तो देखो इसमें टोटल जो हमारे डेटर्स है वो थे इसमें 9,000 रुपये, टोटल डेटर्स 9,000 थे, और 9,000 में से पहले देनदारों को इसने किसने ले लिया था, नरेश ने ले लिया था 5,000 के देनदारों को, लिया तो उसने 4,000 में, लेकिन उनका पुस्तक मूल्य, ये जो बैलेंस शीट में जो मूल्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पुस्तक मूल्य। तो पुस्तक मूल्य में से पुस्तक मूल्य ही कम करते हैं, तो देनदारों का मूल्य जो 9,000 था उसमें से 5,000 कम कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो उनका मूल्य 5,000 था, तो 9,000 में से 5,000 गए तो आपके कितने बचे, 4,000। तो शेष देनदार हमारे जो 4,000 बचे उनसे 50% प्राप्त हुआ, यानी कि देनदारों से हमारे को जो कैश प्राप्त हुआ है वो है 2,000। 4,000 का 50% 2,000 हो गया, इसको हमने दिखा दिया। और आगे एक और दे रखा है कि 3,000 रुपये के विनियोग जिनका पुस्तकों में लेखा नहीं था उनसे यही मूल्य वसूल हुआ, पहले पुस्तकों में लेखा नहीं था लेकिन पैसा प्राप्त हो रहा है तो वो हम दिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से 3,000 रुपये हमारे को प्राप्त हुए हैं, तो अब इनका जो टोटल करके हैं वो हम दिखा देंगे, ठीक है। ये हो गया 70,000। 70,000 रुपये हमारे को संपत्तियों को बेचने से कैश प्राप्त हुआ है। अब साझेदारों ने जो संपत्ति ली है, साझेदार इसमें जो थे तीन थे आपके, और तीन साझेदार हैं रमेश, नरेश और महेश। तो किस किस ने क्या लिया है, एक तो रमेश ने लिया है, तो इसमें लिख देंगे बाय रमेश कैपिटल। अब इसने रमेश ने क्या लिया है, रमेश ने लिया है इन्वेस्टमेंट, तो ब्रैकेट में लिख देंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है वो इसने कितने में लिया, 17,500 में, जितने में लिया है उतने मूल्य पर दिखा देंगे 17,500। ये तो आ गया इन्वेस्टमेंट। और पत्नी की ऋण का भुगतान करेगा, दायित्व का भुगतान करते हैं तो उसको हम कहां दिखाते हैं, डीआर साइड में। दायित्व का भुगतान नकद करते हैं तो कैश के नाम से, और साझेदार लेता है तो साझेदार के नाम से। दायित्व का भुगतान इसमें कौन कर रहा है, नरेश, तो नरेश का नाम आ जाएगा, चाहे वो पत्नी के पुत्र के ऋण का ही भुगतान करे वो इसमें आएगा, क्योंकि खुद का लोन नहीं है। तो इसमें अच्छा हाँ, इसमें एक हमने गलती कर दी, इसमें क्या है बैलेंस शीट में ये जो लोन था रमेश का नहीं था, मिसेज का था उसकी, उसकी पत्नी का, तो वो हम दिखाएंगे। उसकी पत्नी का जो लोन है वो इसमें कितने का था, 8,000 का, वो हम दिखाएंगे। अगर उसका केवल रमेश का होता तो हम नहीं दिखाते, मिसेज लोन है तो मिसेज लोन को हम इसमें दिखाएंगे। और पत्नी के ऋण का भुगतान नरेश कर रहा है तो नरेश का नाम लिखेंगे, ब्रेकेट में लिखेंगे वाइफ लोन, क्योंकि वो कौन से दायित्व का भुगतान कर रहा है, पत्नी के ऋण का। और इसमें कितना भुगतान कर रहा है ये प्रश्न में नहीं देखा, इसका मतलब पूरे 8,000 रुपये का ही भुगतान कर रहा है, ये 8,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद में देखो रमेश का आ गया, नरेश ने स्टॉक ले लिया और देनदारों में ले लिया, तो इसमें लिख देंगे नरेश कैपिटल। तो इसने क्या क्या लिया है, स्टॉक एंड डेटर्स, तो इसने कितने में लिया है, नरेश ने 7,500 रुपये में तो स्टॉक, और 4,000 रुपये में देनदार, तो आपके टोटल है वो कितना हो गया, 11,500। 11,500 रुपये में इसने लिया है स्टॉक और डेटर्स को, जितने में लिया उतने मूल्य पर दिखा देंगे नरेश कैपिटल के नाम से, ठीक है। इसके बाद में देखो इसमें प्रश्न में लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स थे,
और क्रेडिटर्स के बारे में इसमें प्रश्न में कोई सूचना नहीं है। अगर कोई सूचना नहीं है तो हम यही मानते हैं कि हमने उनका पूरा भुगतान कर दिया है, क्योंकि मैंने बताया था कि लाइबिलिटीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो यही माना जाता है कि हमने उनका पूरा भुगतान कर दिया है। तो टू कैश ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का जो मूल्य है वो था इसमें 20,500, तो 20,500 का ही हमने भुगतान कर दिया है, तो 20,500 दिखा देंगे, ठीक है, लोन का इसमें आ गया। और इसके बाद में फिर देखा है कि वसूली वे 1,000 रुपए हुए, तो ये भी कैश हुआ है। ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस हमारे जो हुए हैं 1,000, ये 1,000 रुपए वसूली वे हुए, ठीक है, बाकी सारी बातें आ गई है। संपत्तियों के बारे में एसेट्स को तो हम तभी दिखाते हैं जब प्रश्न में सूचना होती है, अगर किसी एसेट्स के बारे में कोई सूचना नहीं है तो हम यही मानते हैं कि हमारे को उनसे पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन दायित्वों के लिए ऐसा नहीं है, नहीं दे रखा है तो भी यही माना जाता है कि हमने उनका पूरा भुगतान कर दिया है। तो ये अपनी मदे आ गई है सारी, अब हम टोटल लगाएंगे, अब हम इसका टोटल लगा रहे हैं। तो टोटल देखो, सीआर साइड का टोटल ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है और डीआर साइड का टोटल ज्यादा होता है तो लॉस होता है, तो हमने सीआर साइड का टोटल लगाया, तो देखो इसमें सीआर साइड का टोटल है वो आ रहा है 147,500 और डीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 120,500, यानी कि डीआर साइड का कम है सीआर साइड का ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया इसमें रियलाइजेशन पर प्रॉफिट, और रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट है इसको ये तीनों साझेदार बांट लेंगे, रमेश नरेश और महेश, रमेश नरेश और महेश ये तीनों साझेदार बांट लेंगे। तो इसमें देखो डिफरेंस है वो कितने का आया, 147,500 सीआर साइड का था और डीआर साइड का था 120,500, तो कितने का आ गया 27,000, 27,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है, इस 27,000 रुपए का जो प्रॉफिट है इसको तीनों साझेदार बांटेंगे, और प्रश्न के अंदर जो इनका अनुपात दे रखा है वो दे रखा है इसमें 3:2:1, तो 3:2:1 अनुपात में बांट लेंगे 27,000 को, तो 27,000 का पहले 3/6, इसका आ गया आपके 13,500 और नरेश का जो हिस्सा है वो आ रहा है 2/6, इसका आ जाएगा 9,000 और तीसरे का आ रहा है आपके 1/6, तो 1/6 × 27,000 आपके 4,500, ठीक है, ये तीनों का प्रॉफिट आ गया, रमेश का शेयर 13,500, नरेश का 9,000 और महेश का 4,500, टोटल प्रॉफिट हुआ था 27,000, ये तो बन गया अपने रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो रियलाइजेशन अकाउंट हमने बना लिया, अब देखो इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले इनकी कैपिटल का बैलेंस, तो इसमें रमेश और नरेश का तो क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटीज में दे रखा है तो इसको तो हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, बाय बैलेंस बीडी, रमेश की कैपिटल है 50,000 और नरेश की कैपिटल है 10,000, लेकिन महेश की जो कैपिटल है वो एसेट्स पक्ष में दे रखी है यानी कि डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में दिखाएंगे, नाम किसका आएगा टू बैलेंस बीडी का, तो इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है 11,500, ठीक है, ये तो हम इसका कैपिटल का बैलेंस दिखा देंगे। इसके बाद में हमने रिलाइजेशन अकाउंट बनाया था, तो रिलाइजेशन पर प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम कहां दिखा देंगे सीआर साइड, रिलाइजेशन प्रॉफिट, तो रमेश का हिस्सा आया था 13,500, इसका आया था 9,000 और इसका आया था 4,500, ठीक है, तो ये तो रिलाइजेशन प्रॉफिट हमने दिखा दिया। अब देखो इसमें बैलेंस शीट के अंदर तो ऐसी और कोई मद नहीं थी दिखाने वाले, लेकिन नीचे सूचनाओं में जो दे रखा है, अगर साझेदारों ने संपत्तियां ली है
तो उसको तो हम कहाँ दिखाते हैं, डी आर साइड में। उत्तरदायित्व लेते हैं तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, सी आर साइड में। तो इसमें दायित्व में देखो किसने लिया था, नरेश ने क्या किया था, ये इसने रमेश ने एक तो विनियोग लिया था और एक पत्नी के ऋण का भुगतान किया था, इसलिए हम इसको दिखा देंगे। नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन का। तो रमेश ने लाइबिलिटीज को लेते हैं तो हम इसको कहां दिखाते हैं, सी आर साइड में, और एसेट्स को लेते हैं तो कहां दिखाते हैं, डी आर साइड में। तो रमेश ने क्या पत्नी के ऋण का भुगतान किया है और उसकी पत्नी का जो ऋण है वो था 8000 रुपये, तो 8000 रुपये हम दिखा देंगे इसके सी आर साइड में, ठीक है। और इसके अलावा इसने संपत्तियां ली है, तो रमेश ने संपत्तियां क्या ली थी, रमेश ने 17500 रुपये के विनियोग लिए थे, 17500, तो 17500 रुपये इसके डी आर साइड में दिखा देंगे। अच्छा फिर देखो, रमेश के अलावा नरेश ने भी लिया था, नरेश ने क्या किया था, एक तो स्टॉक लिया था और देनदारों को लिया था, टोटल आया था 11500, तो ये हम नरेश के खाते में दिखा देंगे 11500, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो संपत्ति इन्होंने ली थी इनके, तो इसको तो हम दिखा दिया हमने डी आर साइड में, और दायित्व के लिए एक ने रमेश ने लिया तो रमेश के खाते में सी आर साइड में दिखा दिया। रिलाइजेशन का प्रॉफिट है वो हमने दिखाई दिया, अब इसके अलावा इसमें और कोई मद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे, और टोटल लगाकर जो बैलेंस आएगा वो राशि इन साझेदारों को भुगतान करनी है। तो इसमें देखो आपके सबसे पहले महेश का देखो, इसमें महेश का देखो, इसमें डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 11500, ठीक है, और सी आर साइड में आ रहा है 4500। तो इसमें जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, देखो 11500 में से 4500 घटा दो, इसमें से कितने आ गए, 7000, 7000 रुपये इसके कम पड़ रहे हैं। तो इसकी तो ये तो क्या करेगा, फर्म में पैसा लेकर के आएगा, लेकर आएगा तो हम दिखा देंगे बाई कैश, क्योंकि इसमें डी आर साइड का ज़्यादा है, क्योंकि इसकी लाइबिलिटीज बढ़ गई है, तो जितनी राशि कम पड़ रही है वो लेकर आएगा, तो 7000 रुपये ये लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका तो हम टोटल लगा लेंगे 11500 का। अब इसके बाद में देखो नरेश का देखो, इसमें सी आर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 19000 और डी आर साइड में आ रहा है 11500, तो 19000 में से ये आपके 11500 घटा दो, इसमें से ये आ गया 7500, यानी कि 7500 रुपये इसको हम भुगतान करेंगे, यानी कि फर्म भुगतान करेगी 7500 का, ठीक है। ये आपके टोटल आ गया इसका 19000। अब इसके बाद में देखो रमेश का जो टोटल है वो देखो इसमें कितना आ रहा है, सी आर साइड का टोटल है वही आ रहा है इसमें ज्यादा, इसका टोटल आ रहा है 81500। देखो इसका रमेश का सी आर साइड का टोटल आ रहा है 71500 और डी आर साइड में एक मद है 17500, तो 71500 में से 17500 ये लेस कर दो, इसमें से इसका बैलेंस आ रहा है 54000, यानी कि इसको पेमेंट है वो कितना करना है, 54000 रुपये का, ठीक है। ये आपके टोटल आ गया, तो इन दोनों को तो पेमेंट करेगी फर्म, 54000 रुपये रमेश को किया जाएगा और नरेश को किया जाएगा 7500, लेकिन महेश की कैपिटल कम पड़ रही है, ये पैसा लेकर आएगा 7000। ये तो बन गया अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में सबसे पहले हम रोकड़ का प्रारंभिक शेष, वो हम कहाँ दिखाएंगे, डी आर साइड में, टू बैलेंस बी डी। तो पुरानी बैलेंस शीट में कैश इन हैंड दे रखा 6000 रुपये तो कैश पहले से था, और जो भी रोकड़ आती है वो सब डी आर साइड में। अब रोकड़ इसमें हमारे को संपत्तियों को बेचने से प्राप्त हुई थी, तो नाम किसका लिखेंगे, रियलाइजेशन का। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं एसेट्स रियलाइज्ड, यानी कि संपत्तियों से वसूली। तो संपत्तियों से हमारे को नकद पैसा प्राप्त हुआ है 70000 रुपये, ये कैश आया। इसके अलावा
इसमें महेश की कैपिटल कम पड़ रही थी तो महेश लेकर आया था 7,000 रुपए। तो 7,000 रुपए जो लेकर आया उसको भी हम डीआर साइड में दिखा देंगे। रोकड़ हमारे पास ही आई, 6,000 रुपए पहले से केस था, 70,000 रुपए एसेट से प्राप्त हुआ और 7,000 रुपए महेश लेकर आया। अब रोकड़ी भुगतान जितने भी है वो देखो इसमें, तो रोकड़ी भुगतान है वो हमने कौन कौन से किए हैं। इसमें हमने एक तो लेनदारों का भुगतान किया है, लेनदारों का भुगतान किया है 20,500 रुपये का पूरा भुगतान किया है, क्योंकि प्रश्न में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा इसमें रोकड़ी जो भुगतान है वो हुआ है इसमें वसूली वे रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, ये भी नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन का, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेज। तो एक्सपेंसेज हमारे जो हुए हैं 1,000 रुपये, 1,000 रुपये ये हम दिखा देंगे, ठीक है। इसके अलावा रोकड़ी भुगतान है वो हमने किस किस को भुगतान किया है, एक तो रमेश को भुगतान किया है 54,000 रुपये, हमने रमेश को भुगतान किया है। और 7,500 रुपये हमने नरेश को पेमेंट किया है, ठीक है, ये हमारा पेमेंट था, इसके अलावा और कोई पेमेंट नहीं है। तो अब हम इसका टोटल लगा लेंगे, तो टोटल देख लो आपका टोटल है वो बराबर आना चाहिए इसमें, आपके इस साइड का टोटल भी आ रहा है 83,000। तो ये बढ़ गया आपके कैश। तो ये मैंने आपको बताया था इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहला पेज नंबर 174 पर। तो एक तो इस क्वेश्चन को आपको फिर से रिपीट करना है और इससे आगे वाला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दूसरा, वो दूसरा क्वेश्चन आपको सोल्व करना है।